स्टूडेंट वेलकम टू दिस क्लास ऑफ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू चैप्टर टू समवन केयर्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर। मिसेस कॉलिंस वॉक बैक स्लोली टुवर्ड्स हर होम। हर बॉडी हैड नो स्ट्रेंथ लाइक बिफोर टू रोम। शी स्टूड वॉचिंग सम चिल्ड्रन स्किपिंग पास वेयर द डेज व्हेन शी कुड रन एज फास्ट। मिसेस कॉलिंस जो है धीरे धीरे चलकर अपने घर की ओर आई और उनकी शारीरिक क्षमता जो पहले जैसी नहीं रही है। उनकी जो घूमने फिरने की शक्ति जो है पहले की तरह अब नहीं रही है। वो जो है खड़ी हुई बच्चों को देखने के लिए, जो बच्चे खेल कूद रहे हैं घूम रहे हैं उन्हें देखने के लिए। एक समय ऐसा था जब वे भी इन्हीं बच्चों की तरह घूम सकती थी, दौड़ सकती थी, तेज दौड़ती थी वो। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, वह समय अब बीत गया। इट वॉज टीचर्स डे एंड मिसेस कॉलिन फेल्ट ऑल एलोन। आज जो है शिक्षक दिवस का दिन था और मिसेस कॉलिन जो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। दोज हैप्पी डेज व्हेन शी टॉट चिल्ड्रन हैड गॉन। वे खुशी के दिन जब वो बच्चों को पढ़ाती थी वे सब बीत गए थे। शी रिमेम्बर्ड द प्रीशियस हग्स एंड ग्रीटिंग कार्ड एंड स्वीट विशेज स्प्रिंगिंग फ्रॉम लिटिल हर्ट्स। वो जो उनके बच्चे जो थे ग्रीटिंग कार्ड देते थे और उनके उन्हें जो विशेष देते थे, शुभकामनाएँ देते थे, वो उन्हें सभी को याद कर रही हैं। वे सभी बातें जो उनकी उनके उनके दिल में जो है बार बार आ रही हैं उन्हें वो याद कर रही हैं। उनकी शुभकामनाएं बच्चों की विशेष को, ग्रीटिंग कार्ड उनके दिया हुआ ग्रीटिंग कार्ड को। इन इंग्लिश मिसेस कॉलिन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। सी जेंटली करेक्टेड व्हेन चिल्ड्रन वेंट रॉन्ग। हर मॉरल स्टोरीज वेयर सच ए ट्रीट। पेरेंट्स स्टॉप टू थैंक हर इवन ऑन द स्ट्रीट। इंग्लिश में जो है मिसेस कॉलिन जो है बहुत उनका जो पेपर था बहुत मजबूत था और जब बच्चे गलती करते थे या गलती लिखते थे वे उन्हें रोकती थी, समझाती थी। चीजें वह जो थी उन बच्चों के लिए अब अपने व्यवहार के द्वारा ही इन बच्चों को जो नैतिक शिक्षाएं दे दिया करती थी और उनकी शिक्षाएं जो सचमुच में बच्चों के लिए प्रेरणादायी होती थी। इसके उनके व्यवहार के कारण, उनके ही नैतिक शिक्षाओं के कारण, उनके शिक्षा के कारण बच्चे माता पे पेरेंट्स जो थे वे उनसे बहुत रेस्पेक्ट देते थे। उनकी गली में रुक कर उन्हें धन्यवाद कहते थे। वे रुक जाते थे उनकी गली से गुजरते वक्त और उन्हें धन्यवाद कहने के लिए। Sometime careless children forgot to get lunch, then Mrs. Colin had something for them to munch. Her eyes twinkled and was also always so kind. Such a loving teacher one could never find. Mrs. Colin जो थी वो कभी कभी ऐसा होता था कुछ बच्चे अपना लंच भूल जाते थे और उन्हें वे अपने तरफ से कुछ खाने को दे देती थी। उनकी आँखें जो हमेशा चमकती थी, उनके आँखों से हमेशा दयालुता की भावना छलकती रहती थी। सचमुच उनके जैसे शिक्षिका जो है हमें हम लोगों को अब नहीं मिले और उनके जैसे शिक्षक जो जैसे वो थी उनके जैसे शिक्षिका जो हमें अब नहीं मिल सकती। नाउ मिसेस कॉलिन हैड नो वन टू विश हर ऑन टीचर्स डे। ऑल हर स्कूल चिल्ड्रन सीम्ड सो फार फार अवे। अब जो है मिसेस कॉलिन के पास कोई नहीं था विश करने के लिए शिक्षक दिवस के दिन और सभी बच्चे जो जिन्हें वो पढ़ाया करती थी वे सभी बहुत दूर दूर जा चुके थे। बट वेट वाज दैट म्यूजिक एंड सिंगिंग फ्रॉम नियर हर डोर। पर रुको, लेकिन उनके घर के आसपास घर के पास से उनके दरवाजे के पास से जो है म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, गाने की आवाज़ आ रही है। सडनली सेवरल हैंड्स लिफ्टेड हर हाई अबव द फ्लोर। कुछ अचानक जो है कई हाथ जो आते हैं और उन्हें जो है फ्लोर से जमीन पर से जो है ऊपर उठा लेते हैं। सी थैंक द चिल्ड्रेन फॉर देयर काइंडनेस थ्रू हर टीयर्स। वो बच्चों को धन्यवाद देती है अपने आंसुओं के द्वारा और उनके उनके इस भावना के कारण जो है वह बच्चों की भावनाओं के कारण वह उन्हें बच्चों को धन्यवाद कहती है। उनकी आंखें जो छलक जाती है। दे होल्ड हर अप विथ देयर लाउड एंड हैप्पी चीयर्स। लॉन्ग बैक मिसेस कॉलिन हैड सॉन व्हाट केयरिंग वाज ऑल अबाउट। ए प्रीशियस लेसन इन लाइफ द स्टूडेंट्स नेवर इवन फॉरगॉट। बच्चों के इसे उनके बच्चे जो उनकी केयर कर रहे हैं, उनके बच्चों के मन में उनके प्रति जो भावना है इसके लिए मिसेस कॉलिन जो है बहुत खुश होती है और सभी बच्चे जो है खुशी से जो है चिल्लाते हैं और खुशी मनाते हैं। बहुत समय बाद मिसेस कॉलिन को जो है ऐसा समय देखने के लिए मिला है जो बच्चे जो है उनकी केयर कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। और बच्चों के लिए भी यह कीमती पार्ट होता है, उसकी ज़िंदगी का एक कीमती क्षण होता है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। ए लिटिल केयरिंग मैटर्स ए लॉट। इट्स मोर प्रीशियस देन थिंग्स दैट आर अबाउट। लुक अराउंड फॉर पीपल हु आर लोनली एंड सैड। एक
छोटी सी जो है लोगों के प्रति देखभाल करने की जो बात होती, जो क्षमता आती है वह बहुत बड़ी बात होती है, वह बहुत महत्व रखता है। इट्स मोर प्रीशियस देन थिंग्स दैट आर अबाउट, यह किसी कीमती उपहार से बहुत ज़्यादा ही कीमती होता है जब हम किसी की देखभाल करते हैं। यह उसके जिसे जो हम खरीद की कोई उपहार जब हम किसी को खरीद कर देते हैं तो उसके बदले अगर हम उसके जरूरत के समय मदद कर दें या उसकी देखभाल कर दें तो यह उस उपहार से ज़्यादा महत्व रहता है हमारी केयरिंग करने की, देखभाल करने की। लुक अराउंड फॉर पीपल हु आर लोनली एंड सैड, हमें अपने आसपास देखना चाहिए कि हम अगर कोई व्यक्ति किसी को ज़रूरत हो, कोई अगर कोई अकेला है, कोई दुखी है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। डू समथिंग दैट विल मेक देम रियली ग्लैड, और कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिले। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उन्हें पूरा करके उनकी खुशी को जो है कायम रख सकते हैं, उनके दुखी को, दुखीपन को, उदासीपन को हम दूर कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात होती है और यह बहुत महत्व की बात होती है। थैंक यू।